हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम उसके बाद हमारी सेकंड क्लास के अंदर इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके चलिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बच्चों पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन? ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज अ पॉलिनेशन। मतलब एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां पर? स्टिग्मा पर। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे एक सिंपल डायग्राम के थ्रू अगर हम इसे समझें तो बेटा ये हमारा क्या है? एंथर है। क्या है? एंथर। और ये है हमारा स्टिग्मा, मतलब ये हमारा पिस्टिल है। ठीक है, तो यहाँ इस एंथर के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को हमने डिस्कस किया था। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गमीटोफाइट। क्या होते हैं? मेल गमीटोफाइट। मतलब कि ये जो पोलन ग्रेन्स है बेटा, यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ पर आएंगे? हमारे स्टिग्मा पर। कहाँ पर आएंगे? स्टिग्मा पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलोगे बच्चों? पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स को मिलाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन जब देखा है तो उसमें हमने देखा है कि बेसिकली पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? पोलन पॉलिनेशन। ठीक है, यस, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। देखिएगा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा कि प्लांट्स के अंदर चाहे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, दोनों ही क्या होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इनके अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन। जबकि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म्स की मोटेलिटी अच्छी होती है, जबकि एग सेल्स मूवमेंट करते हुए कहाँ से? ओवरी से कहाँ आती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, इसलिए वहाँ पर पॉलिनेशन रिक्वायर नहीं होता। अब आगे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में, या पॉलिनेशन क्या होता है। ओके, सबसे पहला पार्ट है बेटा ओटोगैमी। क्या है ओटो? क्या होता है इसका मतलब? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर ही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओटोगैमी। जैसे हम बात करें, ये एक प्लांट है और इस प्लांट का ये क्या है? एक फ्लावर है। क्या है बच्चों? फ्लावर। ठीक है, तो इसी फ्लावर के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर हमने ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया है और ये आगे चलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया। तो यहीं से मेल के एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पर आ जाएंगे? हमारे स्टिग्मा पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ओटोगैमी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट बेटा। इन ओपन एंड एक्सपोज एंथर्स एंड स्टिग्मा ओटोगैमी इज रेयर। देखिएगा यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। ज्यादातर हम बात करें कि ओपन एंड एक्सपोज एंथर, जहां पर एंथर ओपन है या एक्सपोज्ड है, मतलब खुला हुआ है या फैला हुआ है, तो वहां पर ओटोगैमी बहुत रेयर है। क्या है? रेयर। क्यों बेटा? क्योंकि अगर एंथर ओपन रहेगा या एक्सपोज रहेगा तो पोलन ग्रेन हो सकता है कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आए, उन्हें उड़ाकर ले जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वायोला। क्या है? वायोला एंड ऑक्सेलिस। वायोला एंड ऑक्सेलिस एंड कॉमेलिना। कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। ये एक एग्जांपल है बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल से वायोला, ऑक्सेलिस एंड कॉमेलिना। ये जो प्लांट्स हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स के फ्लावर्स। एक होते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर, एक होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं बेटा कि ओटोगैमी के अंदर जो बेसिकली ऐसे फ्लावर्स जो ओपन है या एक्सपोज्ड है, उनके अंदर ओटोगैमी बहुत रेयर है। अब इसी में हम आगे कंसीडर कर रहे हैं कुछ एग्जांपल, वायोला, ऑक्सेलिस एंड कॉमेलिना। ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, एक तो होते हैं कैस्मोगेमस
एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ये क्या करते हैं, इनके जो एंथर और स्टिग्मा है ये क्या रहते हैं, एक्सपोज्ड, खुले हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। और क्लिस्टोगेमस क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, और क्लिस्टोगेमस के अंदर क्या होता है बेटा, स्टिग्मा क्लोज रहेंगे और एंथर भी क्लोज। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स इज अ इनवेरिएबली ऑटोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के अंदर बेटा ऑटोगेमी हो जाएगी, अशोर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स, मतलब यहाँ पर बेटा क्या होगा कि आपको ऑटो वो भी देखने को मिल जाएगी, एंड अशोर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ पॉलिनेटर, अगर यहाँ पर पॉलिनेटर भी नहीं है तो भी क्या होगा बेटा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों बेटा जी, क्योंकि हमने देखा है क्लिस्टोगेमस कैसे हैं, क्लोज्ड, अब क्लोज्ड है तो बेसिकली क्या होगा, वहां पर एक ही फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट रहेगा, तो इजीली बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के क्या है, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्लिस्टोगेमस के अंदर अपन को हमें ऑटोगेमी देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलेगा, नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एक एग्जाम डायग्राम के थ्रू भी समझ लीजिएगा, ये एक पेरेंट है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, यहाँ से किनका पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट हुआ स्टिग्मा पर, ये फीमेल पार्ट है, ओके, और स्टिग्मा रिसीव्स पोलन, फिर देन आगे यहाँ से इनका आगे का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ये एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, ओके। अब हम बात करते हैं, हमने देखा पॉलिनेशन के अंदर सबसे पहले ऑटोगेमी, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, और वहां पर हमने दो चीजें देखी, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। अब सेकेंड टाइप है पॉलिनेशन के अंदर ही आ रहा है, ज़ीटियोनोगेमी। क्या है ज़ीटियोनोगेमी, क्या होता है पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर, जैसे ये एक प्लांट है बेटा, इस प्लांट के अंदर टू फ्लावर्स है ना, कौन से फ्लावर्स हैं, टू फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स नंबर वन, फ्लावर नंबर टू, इनके अंदर ही क्या हो रहा है पॉलिनेशन, क्या हो रहा है बच्चों, पॉलिनेशन, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ज़ीटियोनोगेमी, पॉलिनेशन बाय पॉलिनेटिंग एजेंट। अब यहां पर एक प्लांट के अंदर दो फ्लावर्स है, तो यहां पर पॉलिनेशन के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट, क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी। बेसिकली बेटा जेनेटिकली तो ये क्या है, सिमिलर है किससे, ऑटोगेमी से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लांट क्या है, एक सिंगल प्लांट है ना, मतलब प्लांट के अंदर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर ही चेंज है, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, इट इज अ जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि इस प्लांट का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो क्या होगा, सेम, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ज़ीटियोनोगेमी। देखिएगा पॉलिनेटिंग एजेंट को भी आप डिस्कस करेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, जो पोलन ग्रेन को एंथर से कहां पर लाने का काम करते हैं, स्टिग्मा पर, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ज़ीनोगेमी, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का क्या होना, ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट भी यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट, जैसे मान लीजिएगा ये एक प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है, तो इसका ये फ्लावर, इसका ये फ्लावर, मतलब प्लांट नंबर ए प्लांट बी, तो इसके यहां चले जाएंगे इसके यहां, तो इनके बिटवीन जब फॉर्मेशन होगा इनका पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ज़ीनोगेमी, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट्स यूज में आ रहे हैं, इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, मतलब इसके अंदर बेटा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के क्या आएंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ज़ीनोगेमी, ज़ीटियोनोगेमी हम और ऑटोगेमी, इन तीनों में कोई डाउट नहीं होगा बेटा। चलिए आगे हम इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बच्चों, पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। देखिएगा मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, एजेंट, क्योंकि एंथर का काम क्या है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना। अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है, जब वो पोलन ग्रेन यहाँ से आगे स्टिग्मा तक जाएंगे तभी वो आगे का पूरा नया प्लांट फॉर्मेशन कर पाएंगे, तो
पॉलिनेशन के लिए, मतलब यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन को कहाँ ले जाना है, स्टिग्मा पर, तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, क्या रिक्वायर्ड होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं अबायोटिक। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या है लिविंग, और जिसमें अच्छा एग्जाम्पल्स है इंसेक्ट्स है बैट्स है, ये सारे के सारे क्या है पॉलिनेटिंग बायोटिक एजेंट। और अबायोटिक एजेंट्स के अंदर आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट जैसे वाटर है विंड है एसेट्रा, ठीक है, इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन ऑफ बायोटिक एजेंट्स। पॉलिनेशन ऑफ बायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स अपने पॉलिनेशन में किसका यूज करते हैं, इंसेक्ट्स का। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज, इनमें भी कौन एनिमल्स में बेटा, बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। ये डोमिनेंट बायोटिक एजेंट्स है किसके लिए, पॉलिनेशन। मतलब इंसेक्ट्स में भी अपन किसको प्रिफर कर रहे हैं, बीज को, जो कि बायोटिक पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर वेरी लार्ज, जो फ्लावर्स इंसेक्ट से बेटा पॉलिनेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। इनसे क्या मिलता, अच्छा फ्रेग्रेंट मिलता है और नेक्टर भी इनसे मिलता है। बेसिकली इंसेक्ट्स को एक तरह से प्राइज के फॉर्म में ये क्या देते हैं, नेक्टर। ओके, स्मॉल फ्लावर्स प्रेजेंट इन क्लस्टर टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, है ना, जो स्मॉल फ्लावर्स हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं क्लस्टर्स के फॉर्म। ओके, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑडर, ऐसे फ्लावर्स जिनको पॉलिनेट कौन करते हैं बेटा, फ्लाइज और बीटल्स, उनसे सीक्रेट होती है फाउल ऑडर, मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती, उनकी स्मेल होती है उन फ्लावर्स के अंदर। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट। देखिएगा, किसी भी इंसेक्ट को जो नेक्टर और जो पोलन ग्रेन्स हैं आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट जब पॉलिनेशन कर रहा है भाई, कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ उसे आप पे करेंगे, तो प्लांट्स उन्हें बदले में बेटा नेक्टर और पोलन ग्रेन्स क्या है एज अ रिवॉर्ड के फॉर्म में इंसेक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा, ये एक अच्छा पॉइंट है। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, कुछ स्पीशीज के अंदर बेटा जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स है रिवॉर्ड्स है आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस, सेफ जगह पर इन्हें रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है अमॉर्फोएलस। नेक्स्ट, अ स्पीशीज ऑफ मोथ एंड युका, मोथ और युका की एक स्पीशीज है, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये जो प्लांट स्पीशीज है बेटा, ये अपना लाइफ साइकिल दोनों आपस में मिलकर ही पूरा कर पाते हैं, वरना ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कौन, मोथ एंड युका। द मोथ डिपॉजिट्स इट्स एग, मोथ क्या करता है बेटा, अपने एग्स डिपॉजिट करता है इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ। मतलब जो युका प्लांट है उसके ऊपर मोथ जो इंसेक्ट है वो अपने एग्स क्या करता है डिपॉजिट, कहां पर, ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल्स होता है, हमने देखा था ना ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल्स चैम्बर से वहां पर, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और जो फ्लावर है उसे पॉलिनेट कौन कर देता है बच्चों, मोथ। ओके, मैनी इंसेक्ट्स मे कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं बेटा, कंज्यूम कर लेते हैं पोलन और नेक्टर को विदाउट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड एज अ पोलन नेक्टर रोबर्स। देखिएगा, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं बेटा बिना पॉलिनेशन किए ही उन फ्लावर्स से क्या ले लेते हैं, नेक्टर्स और पोलन ग्रेन्स, तो उन्हें अपन पोलन नेक्टर रोबर्स बोलते हैं, मतलब उन्होंने पोलन या नेक्टर्स की क्या कर ली है, चोरी कर ली है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बेटा। चलिए, अब पॉलिनेशन के अंदर ही हम आगे बात करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। किसके अंदर, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले हम देख रहे हैं एनिमोफिल, क्या देख रहे हैं, एनिमोफिलिक, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बेटा आपको। ओके, पॉलिनेटिंग एजेंट इज अ विंड, यहां पर पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट है वो क्या है, हमारी विंड है, क्या है, विंड। अब प्लांट्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ
पोलन. प्लांट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन्स. व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन टू कंपनसेट द अनसर्टेनिटीज ऑफ पॉलिनेशन. देखिएगा, समझिएगा, प्लांट्स बेसिकली बहुत ज्यादा नंबर में क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन. लेकिन प्लांट के अंदर ओव्यूल्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, तो ये एक तरह से क्या कहती है? अनसर्टेनिटी. ठीक है, जिसे कंपनसेट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी. ठीक है, फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेम्स. ऐसे फ्लावर्स बेटा जिनके अंदर स्टेम्स बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, खुले हुए हैं, नॉर्मली फैले हुए हैं. लार्जली लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स. देखिएगा, ज्यादातर ऐसे फ्लावर्स बेटा जिनके अंदर बेसिकली जो स्टिग्मा है, फीदरी है ना, टू ट्रॉप ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स, मतलब जो पोलन ग्रेन्स को बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं. मतलब जो हवा के साथ उड़कर पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं ना, तो अगर उनका स्टिग्मा फीदरी है बेसिकली, तो वो क्या है, इजीली उन्हें क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे. मोस्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कंटेन्स सिंगल ओव्यूल इन वन ओवरी. ज्यादातर जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं बेटा, तो उनके अंदर ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा. एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस. और ज्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो पूरे किसके अंदर पैक्ड रहेंगे बेटा? इनफ्लोरेसेंस के अंदर. ओके, जैसे कॉर्न कॉब है इसका एग्जाम्पल बेटा. पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. देखिएगा, एनिमोफिला के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन ये है कि जो भी पोलन ग्रेन है हमारे फ्लावर्स से निकलने वाले, वो सारे के सारे लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए. वरना पता चले एयर के साथ उड़कर आ रहे हैं और वो भारी हैं, तो वो कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, उड़ ही नहीं पाएंगे. ठीक है, और स्टिकी होंगे तो वो एयर के साथ कोई भी चीज़ आएगी तो उनके साथ स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. तो बेसिकली बेटा ये उनके अंदर पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स. एक तो वो क्या होनी चाहिए? लाइट. और क्या होनी चाहिए बेटा जी? नॉन स्टिकी. ठीक है, ये है हमारा एनिमोफिलिक, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, हाइड्रोफिलिक, मतलब पॉलिनेशन बाय अबायोटिक एजेंट लाइक वाटर. मतलब आप पॉलिनेशन किससे कर रहे हैं? अबायोटिक एजेंट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? वाटर. This type of pollination is very rare. इस तरह का pollination बहुत rare है. About 30 genera, mostly monocot. 30 genera के अंदर ही mostly कहाँ पर है? Monocots के अंदर. कहाँ पर देखने को? Vallisneria, hydrilla and zostera are the common example for hydrophilic. ये कुछ examples हैं, important है बेटा. इनके examples direct questions पूछे जाते हैं इनसे कि hydrophilic किन किन के अंदर होती है, तो याद रखिएगा Vallisneria, hydrilla and zostera are common example of hydrophilic. All aquatic plants are not hydrophilic. देखिएगा, अब ऐसा नहीं है water के थ्रू pollination हो रहा है, तो मतलब pollinating agent water है, तो ज्यादातर aquatic plants के अंदर क्या होगा? हाइड्रोफिलिक. ऐसा नेसेसरी नहीं है. ठीक है, पोलन ग्रेन्स रिलीज इनटू द सरफेस. होता क्या है, पोलन ग्रेन्स बेटा सरफेस पर रिलीज कर दिए जाते हैं ऑफ वाटर एंड कैरी टू द स्टिग्मा बाय एयर करंट्स. और स्टिग्मा तक इन्हें कैरी कर दिया जाता है किसके थ्रू? वाटर. पानी की लहरें आती है, पोलन ग्रेन्स को यहां से कैरी करके कहां ले जाती है बेटा? स्टिग्मा में, एज इन Vallisneria. किसके अंदर देखा गया है ऐसा बेटा? Vallisneria के अंदर. ओके, इन सी ग्रास, सी के अंदर जो ग्रासेस हैं, द फ्लावर्स रिमेन्ड सबमर्ज. जहां पर बेटा फ्लावर्स क्या होते हैं? सबमर्ज, पूरे के पूरे डूबे हुए रहते हैं. पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, तो वहां पर पोलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे? लॉन्ग रहेंगे, रिबन लाइक, जो फ्लोट करने में हेल्प करेंगे. एंड कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, जो बेसिकली बेटा कैरी कर जाएंगे पैसिवली कहां पर? अंदर की तरफ पानी में. पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. मतलब इन पोलन ग्रेन्स को बेटा प्रोटेक्ट भी किया जाता है, अगर ये वेट हो जाएंगे तो ये पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनके ऊपर चारों तरफ किसकी कवरिंग होती है? म्यूसिलेज की. ठीक है बेटा, ओके, यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट, फॉलोइंग कंपेटेबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोल. देखिएगा, पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन होने के बाद बेटा
हमारे पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ गए हैं? स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा पर आने के बाद क्या है, हमने देखा है कि पोलन ग्रेन्स है उनके आउटर लेयर जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहां पर क्या बन जाता है, जर्म पोर। ठीक है, तो जर्म पोर के थ्रू आगे क्या बनेगी, पोलन ट्यूब, और आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट है, मतलब हमने मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, फिर हमने पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स में ओटोगेमी, जीटियोनोगेमी, जीनोगेमी, यहीं पर हमने कैस्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स को डिस्कस किया, फिर हमने पॉलिनेशन के एजेंट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमने इंसेक्ट्स के बारे में, बीज के बारे में देखा, और अबायोटिक के अंदर अपने हाइड्रोफिली और एनिमोफिली को देखा। अब हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम बात करें पोलन पिस्टन इंटरेक्शन से पहले कुछ और है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ये भी हम समझते हैं होता क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन पॉलिनेशन के बाद का प्रोसेस है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो भी आपको पता होने चाहिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। देखिएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक तरह से एक ऐसा मेथड है जो कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स यूज फॉर पॉलिनेशन। अब इसमें सिर्फ जो पोलन ग्रेन्स हमें रिक्वायर्ड है, अच्छी क्वालिटी के हैं, वही पॉलिनेशन के लिए आपको जरूरी है। स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम, अब स्टिग्मा को हम यहां पर देखो प्रोटेक्ट करेंगे किन से बच्चों, कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, कि हमारे पोलन ग्रेन जो अनवांटेड हैं वो स्टिग्मा पर आएंगे। हमारा मेन मोटो ही क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, कि अपन को डिजायर्ड जो पोलन ग्रेन्स है उन्हीं से क्या कराना है, पॉलिनेशन कराना है। अब डिजायर्ड पॉलिनेशन के अलावा आपको पता है पॉलिनेशन के टाइम इनॉर्मस अमाउंट में क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन, तो वो सारे नहीं चाहिए अपन को, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है जिससे अपन को अच्छी क्वालिटी का फ्लावर मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के सीड मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप मिलेगी, वही चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, आप क्या करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, कैसे, सुनिएगा, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर, आप फ्लावर के अंदर से किसे रिमूव कर दीजिए बेटा, एंथर को। ठीक है, बट बर्ड बिफोर द एंथर डेहिसेंस इज कॉल्ड अ इमेस्कुलेशन, लेकिन कब, हमारे एंथर के डेहिसेंस से पहले इसे अपन क्या बोलेंगे, इमेस्कुलेशन, मतलब हमारे पोलन ग्रेन के अंदर से एंथर को रिलीज करना क्या कहलाता है बेटा, इमेस्कुलेशन, याद रखिएगा। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स कवर्ड बाय बैग जनरली, और जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं इन्हें बैग के थ्रू कवर कर दिया जाता है, मेड अप ऑफ बटर पेपर, ये बटर पेपर से बन जाता है, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, दिस स्टेप इज कॉल्ड अ बैगिंग। क्या कर दिया आपने, बैगिंग कर दी। ठीक है, मतलब जो भी हमने एंथर को अलग किया है कट करके, उसे तो अपन ने बोल दिया इमेस्कुलेशन, और इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स को कर दिया कवर्ड हमने किससे, एक बैग से, जो कि या तो बटर पेपर हो सकता है या कोई पॉलीथीन हो सकती है, तो उसे अपन ने बोल दिया क्या बच्चों, बैगिंग। जैसे डायग्राम के अंदर देखो, एक बैग से इन्हें पैक कर दिया। ठीक है, इफ द फीमेल फ्लावर इज अ यूनिसेक्सुअल देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन, अगर फीमेल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो बेसिकली हमें इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि फीमेल फ्लावर के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, हमारा मेल का जो पार स्टेमिन है वो तो होगा ही नहीं, तो इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन कराते हैं जिससे अपन को अच्छी क्रॉप मिले, और क्या हो बेटा, इसके अंदर एंथर को एक फ्लावर से अलग कर दिया जाता है डेहिसेंस से पहले ही, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन, और इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स को बेटा एक बैग से कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये अगर यूनिसेक्सुअल है तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद हम और आगे डिस्कस करते हैं एक और नई टेक्निक, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कौन सी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिएगा,
क्या होती है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मोफेरोडाइट फ्लावर्स एंड अंडरगो ऑटोगेम। बहुत से जो फ्लावर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हर्मोफेरोडाइट फ्लावर। हर्मोफेरोडाइट का मतलब हर्मोफेरोडाइट का मतलब क्या होता है बेटा? बाइसेक्सुअल। और उनके अंदर क्या होती है बच्चों? ऑटोगेमी। क्या होती है? ऑटोगेमी। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिएगा, अगर लगातार बेटा ऑटोगेमी होती रहेगी, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब जितना अपन को ब्रीडिंग होनी चाहिए थी, अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिलने चाहिए थे, उतना नहीं हो पाएगा। मतलब फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स ने तो बेटा ऐसे बहुत से तरीके यूज में लेते हैं जो कि बेसिकली बेटा पॉलिनेशन को क्या कर देंगे? रोक देंगे एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को तो क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनक्रेज करते हैं। सच डिवाइसेज आर कॉल्ड ओवर ब्रीडिंग डिवाइसेज। मतलब ऐसे फ्लावर्स जो सेल्फ पॉलिनेशन को तो नहीं होने दे रहे बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे, ठीक है ना, तो उनके अंदर क्या होगी? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टेटिव इज नॉट अ सिंक्रोनाइज। मतलब जब एंथर से क्या रिलीज हो? पोलन ग्रेन्स। और एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज हो और स्टिग्मा भी क्या हो? प्रिपेयर हो किन्हें? पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उनके अंदर आप सिंक्रोनाइजेशन को मत होने दीजिए। मतलब उनका सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। मतलब जिस टाइम पर स्टिग्मा प्रिपेयर हो रहा है उस टाइम पर एंथर पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं कर रहा। ठीक है, सेप्टियल सेपरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा। आपने सेपरेशन कर दिया किसका? एंथर और स्टिग्मा का। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन। बेटा एंथर और स्टिग्मा को आपने प्लेस्ड कर दिया डिफरेंट पोजीशंस पर। ठीक है, सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके अंदर बेटा सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही क्या होंगे? प्रोड्यूस। ये सारे तरीके हैं बेटा जिसके थ्रू आउटब्रीडिंग को क्या मिलता है? बढ़ावा। मतलब हम क्रॉस पॉलिनेशन को क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कंप्लीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो आगे का पार्ट है, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, चलिएगा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये और इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि यहाँ पर अपन फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन। मतलब पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ गए हैं? स्टिग्मा पर। ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टूगेदर परफॉर्म्ड एज अ पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। मतलब पोलन का स्टिग्मा पर आकर वहां से पोलन ट्यूब बनाना और पोलन ट्यूब का कहाँ एंटर करना? ओव्यूल के अंदर। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? पोलन, जैसे ये एंथर है और ये हमारा क्रिस्टल है, यहां से पोलन ग्रेन कहां पर आए? हमारे स्टिग्मा पर। यहां पर ये ओव्यूल है तो ये आगे चलकर एक पोलन ट्यूब बनाएंगे। तो ये पोलन ट्यूब की कहां पर? हमारे ओव्यूल के अंदर एंट्री। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा। देखिएगा, हम देख रहे हैं कि पॉलिनेशन का मतलब होता है एंथर से पोलन ग्रेन का रिलीज होकर कहां पर आना? स्टिग्मा पर। अगर पॉलिनेशन हो गया तो ये गारंटी नहीं है कि सेम टाइप का पोलन ही उस स्टिग्मा पर आया है। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। पिस्टिल्स के पास क्या होती है? एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पोलन, वेदर इट इज कंपेटेबल और इनकंपेटेबल। मतलब पिस्टिल क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं बेटा किसको? कि उसी स्पीशीज का पोलन आया है या नहीं आया। इफ इट इज राइट टाइप द स्टिग्मा अलाउ द पोलन टू जर्मिनेट। तो अगर ये उसी स्पीशीज का राइट टाइप का जो उन्हें चाहिए तो स्टिग्मा अलाउ कर देते हैं कि आपको क्या पोलन जर्मिनेट हो जाएगा।
इफ इट इज अ रॉन्ग टाइप द स्टिग्मा रिजेक्ट द पोलन, अगर ये रॉन्ग टाइप का है तो स्टिग्मा पोलन को क्या कर देगा, रिजेक्ट, प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन नहीं होने देगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन, मतलब हमारे पिस्टिल की एबिलिटी जो रिकॉग्नाइज करता है पोलन को बाय कंटिन्यूअस मीडिएटेड बाय सुक्रोज लेवल, मतलब हमारा जो पिस्टिल है बेटा वो रिकॉग्नाइज करता है कुछ केमिकल्स के लेवल्स को कंट्रोल करके, वो एक एबिलिटी हमारे पिस्टल्स की, ठीक है। फॉलोइंग कंपेटिबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, मतलब हमारे पोलन ग्रेन्स के पास जो जर्म पोर है वहां से पोलन ट्यूब रिलीज होगी, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई डाउट है आपको, नहीं होना चाहिए, इसके बाद का बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।